पर मैं सर एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो शुभम शर्मा है ये 15 साल से लेकर 30 साल के लड़कों के लिए आज की डेट में रोल मॉडल बन गया। उसका एक स्लोगन है, कुछ क्राइम करने के बाद कुछ नहीं होता, बढ़िया जी है बचाने के लिए। ये बढ़िया जी कौन है? आई के ग्राउंड है सर, वो मुझे का अड्डा बन गया है। वहाँ आए दिन क्राइम होता है, वहाँ पे चरस कांजा आटा मार छेड़खानी सब कुछ होती है। मरते मेरे को बोल के गया कि भाई मैंने उनको कुछ नहीं किया, उनको एक शब्द भी नहीं बोला, पर उन्होंने मुझे बहुत मारा, उनको छोड़ना मारा। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया है पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के रूप में, वो परिवर्तन यात्रा आज दुर्ग और भिलाई की सड़कों पर भी थी। उस परिवर्तन यात्रा में शिरकत करने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी आए हुए थे, उनके साथ प्रेम प्रकाश पांडे भी लगातार जो है कि चल रहे थे। जब कुर्सी पार की क्षेत्र में जब वो पहुंचे तो अचानक जो है कि वहां से वो अभी जो कुछ दिन पहले हत्याकांड थी, मलकीत सिंह हत्याकांड जो चर्चित हत्याकांड थी, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे 3 दिवसीय धरने पर बैठे हुए थे उस परिजन को इंसाफ दिलाने के लिए, अचानक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के साथ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी मलकीत के परिजनों से मिलने पहुंचे उनके घर। उसके बाद उनके परिजनों ने जो है कि रो रो कर उनसे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सर, मेरे बेटे का लिवर फाड़ दिए, मेरे बेटे की पतली तोड़ दी, मेरे बेटे की लीव तोड़ दिए। पता नहीं वो इंसान नहीं, पता नहीं क्या था, ऐसे पता नहीं उन्होंने मारा मेरे बेटे को। सर, आपके जो अपन क्या बोलते हैं सीटी स्कैन किए सर, उसमें आप देखेंगे ना, जैसे सर शरीर के अंदर 100 गोली लगी, 100 गोली इसमें मुक्के और पैर मुझे शरीर के अंदर पूरा ब्लडिंग सर, हमको मालूम नहीं चला सर मेरे बेटे को ना। जी सर, मोबाइल में दो लोग वीडियो देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, वो मंच के ऊपर बैठ के देख रहे थे, बाकी सब जितने लोग थे 8-10 लड़के ना पीछे दारू पी रहे थे, पीछे इन लोग दारू पी रहे थे वहां पर। तो ये सब बातें जब होने लगी, इनसे बहसबाजी होने लगे, तो मेरा भाई और जो पंटू था दोनों उनके साथ उनसे बहसबाजी नहीं किए, वो चुपचाप उनके गाड़ी चालू करके जाने लगे। जैसे वो गाड़ी चालू करके जाने लगे, मेरे भाई को पीछे से पकड़े गले से, उसको पटक दिए, पहले जो फलतू था उसको नीचे उतारे, उसको पहले लात से मारे, उसको बैठाए, उसको ऐसे सर ऐसे बैठाए, ऐसे बैठा दिए और चक्कू टिका दिए। बोलते हैं यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, ज्यादा हल्ला करेगा तो तेरा गला काट देंगे। उसके बाद मेरे भाई को सब मिल मिल के मारे, उसको वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, उसको बोलता रहा फलतू बचा इसको, मेरे को बचा कर, पर ना चक्कू लगा के रखे वो कहां से बदलता उसको, वो जैसे उठता उसको बैठा देते मार के चक्कू रख देते, वो बेहोश हो गया सर, मार खा खा के बेहोश हो गया, उसके ऊपर सब कूदे, सब कूदे मार के बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है सीधा कलर भी छोटा बच्चा 30-32 साल आप लोगों को साथ है, जैसा भी आप लोग चाहें हम लोग आपका भी 24 घंटे आपके साथ मेरे पास। अच्छा, वो जो शासन ने दिया उससे असहमत हो क्या? बीमार हालत में शासन आपको 10 लाख रुपए दे रहा है और हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल के चले गए हैं ना, हमारे को 5 रुपए मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पर मैं सर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो शुभम शर्मा है ये 15 साल से लेकर 30 साल के लड़कों के लिए आज की डेट में रोल मॉडल बन गया है। ठीक,
रोल मॉडल बन गया सर, कि मतलब आप कुछ भी क्राइम कीजिए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कानून कुछ कर सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। उसका एक स्लोगन है, कुछ क्राइम करने के बाद कुछ नहीं होता, भैया जी है बचाने के लिए। भैया जी कौन है जो इनको बचा रहा है? वो जो आईटीआई ग्राउंड है सर, वो नशे का अड्डा बन गया है। वहाँ आए दिन क्राइम होता है, वहाँ पे चरस गांजा आपका मारपीट छेड़खानी सब कुछ होती है। सरकार को ये पता है, वहाँ के पुलिस वालों को पता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं होता। वहाँ पे चाचा सीसीटीवी कैमरा लगा, लेकिन किसी का कनेक्शन नहीं है सर। 102 का पॉइंट नहीं है, नहीं घूमता सब मिले भगत है सर। दस लाख का कलेक्टर ने हमको बुलाया था ऑफिस में, उन्होंने बारे से बोला था कि 5 लाख सीएम के पैसा को से मिल, फंड को से मिलेगा। और फिर देवेंद्र यादव आए थे सिख पंचायत के सामने, बोले थे कि हमारे तरफ से जैसे वो विधायक हैं, विधायक कोटे से भी 5 लाख मिलेगा, मतलब 10 लाख हम दे दिए पैसा। कुछ सर हमको कौन पसंद है, कोई पसंद है विधायक कोटे से किसी को पैसा नहीं मिलता, तो पैसा आपको स्वीकार है क्या? ये जो आश्वासन दे रहे हैं हमारे को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना ऐसा मुंह से। आप हमारे से बोल लेंगे 50 लाख रुपए दे देंगे, आपने मेरे को लिख के दिया, मेरे को चेक दिया, कोई नहीं दिया ना, ऐसे ऐसे बात सीधे हुई है। हम लोग दिए थे 3 दिन धरना जो है, आप लोग इलेक्शन वगैरह के बाद सब हुआ, फिर भिलाई बंद हुआ, ब्लैक ग्रुप बंद हुआ, कोई नहीं। फिर क्या हुआ, फिर क्या है, आप लोग और सिख पंचायत के लोग गए और देवेंद्र यादव आया, इन लोगों के बीच समझौता हुआ, फिर आपने घोषणा कर दिया कि हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोगों ने ये कहा था पहले दिन से कि जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होगा, जिस बात तक उस दम तक हम लोग लड़ेंगे, और हम लोगों ने पूरा योगदान दे सब लगाया। आप लोग मजबूत रहे, संतुष्ट हो गए, आपके साथ रहेगा, आप कमजोर